टिबिया एंड फिबुला ऑफ डॉग. ये टिबिया एंड फिबुला ऑफ डॉग है, ठीक है. दिस इज द बॉडी ऑफ टिबिया, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, डिस्टल एक्सट्रीमिटी, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी, डिस्टल आर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी. दिस इज द क्रेनियल व्यू, दिस इज द कॉडल और प्लांटर व्यू. ठीक हो गया. अब ये जो आपको लाइन से नजर आ रही है, क्रेस्ट की फॉर्म में नजर आ रही है, दिस इज द क्रेनियल बॉर्डर. ठीक है, ये क्रेनियल बॉर्डर है. क्रेनियल बॉर्डर के ऊपर एक छोटी सी ट्यूबरोसिटी मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं. इसको छोटी सी है, टिबियल ट्यूबरोसिटी है, लेटरल साइड पे होती है. अच्छा, लेटरल मीडियल किस तरह पता चलेगा भाई, एक ग्रूव होता है लेटरल साइड पे, इसको मस्कुलर ग्रूव कहते हैं. ये ग्रूव है, ये नहीं, ये रिजिस के दरमियान हल्का सा डिप्रेशन है, इसको मस्कुलर ग्रूव कहते हैं. इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड. अच्छा, तो भाई मस्कुलर ग्रूव हमें ढूंढ गया, ये है लेटरल साइड, ये है मीडियल साइड. ठीक हो गया. तो इसके मुताबिक क्रेनियल कॉडल, क्रेनियल बॉर्डर, लेटरल मीडियल, मस्कुलर ग्रूव, टिबियल ट्यूबरोसिटी. ठीक हो गया. अब ये बन गया लेटरल कंडाइल, मीडियल कंडाइल, लेटरल कंडाइल, मीडियल कंडाइल, कॉडल व्यू. ये जो आपको नोच सी नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड पॉपलीटियल नोच. क्या? पॉपलीटियल नोच. ठीक है. अब ये जो दो हल्के से एमिनेंसेस से नज़र आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटरकोंडाइलर एमिनेंसेस कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटरकोंडाइलर एमिनेंसेस. ठीक है, एमिनेंसेस के आगे थोड़ा सा एरिया पड़ा हुआ है, इसको इंटरकोंडाइलर एरिया कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटरकोंडाइलर एरिया कहते हैं. दिस इज द बॉडी ऑफ द टिबिया. लेट्स कम टूवर्ड्स द डिस्टल एक्सट्रीमिटी. डिस्टल एक्सट्रीमिटी इन डॉग देर इज अ कोक्लिया. इस पूरे के पूरे सेक्शन को क्या कहते हैं? कोक्लिया कहते हैं. सैजिटली डिवाइड है, सीधा डिवाइड होया ऑक्स और डॉग में सीधा डिवाइड होता है. ठीक है, अब हमें पता है कि लेटरल मीडियल साइड कौन सी है. दिस इज द मैस्कुलर ग्रूव वाली साइड लेटरल है, और विदाउट ग्रूव मीडियल साइड. तो मीडियल साइड पे हमें एक छोटी सी ट्यूबरोसिटी की शक्ल में हमें एक चीज़ नजर आएगी, जिसका हमने नाम रखा है मीडियल मेलोइलस. ठीक है, मीडियल मेलोइलस. एक और ट्रिक है, फिबुला ऑलवेज अटैचेस ऑन द लेटरल साइड. दिस इज द फिबुला ऑफ डॉग विच ऑलवेज अटैचेस ऑन द लेटरल साइड. ठीक है, अब इसको अटैच किस तरह करना है? अटैच इस तरह करना है कि बारीक वाली सर्फेस जो है हमेशा हेड की तरफ आएगी. ये अटैचमेंट गलत है, क्योंकि बारीक वाली सर्फेस नीचे की तरफ आ रही है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी की तरफ आ रही है. बारीक वाली सर्फेस हमेशा प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की तरफ आनी चाहिए, इस तरह करके. दिस इज द राइट वे टू पुट अ फिबुला ऑन द लेटरल साइड विद द टिबिया. राइट, ये हमने टिबिया को अटैच कर दिया. अच्छा, अब टिबिया के पार्ट्स होंगे. दिस इज द फिबुला के, दिस इज द हेड ऑफ द फिबुला, दिस इज द बॉडी ऑफ द फिबुला, एंड दिस इज द लेटरल मेलोइलस. ठीक है, डॉग कंप्लीट. ऑक्स, हॉर्स, डिफरेंस कहाँ पे आता है? दो हड्डियाँ अगर हमारे पास पड़ी हैं तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ऑक्स का जो कोकलिया है, ऑक्स का कोकलिया सैजिटली डिवाइड है, सीधा स्ट्रेट डिवाइड है, जबकि हॉर्स का कोकलिया सैजिटल है, ओब्लीग है, ओब्लीग है, ओब्लीगली डिवाइड हुआ है. किसका कोकलिया? हॉर्स का कोकलिया. अच्छा, वही सारे पॉइंट्स, क्रेनियल बॉर्डर. अच्छा, मीडियल और लेटरल साइड किस तरह पता चलेगा? लुक आउट द मस्कुलर ग्रूव, दिस इज द मस्कुलर ग्रूव. सो वी नेम्ड इट द लेटरल साइड. ठीक है, हाँ, लेफ्ट साइड की बोन है. मस्कुलर ग्रूव, लेटरल साइड, ठीक है, मीडियल साइड, क्रेनियल बॉर्डर, इंटरकोंडाइलर एमिनेंसिस, टिबियल ट्यूबरोसिटी, इंटरकोंडाइलर एरिया, लेटरल कोंडाइल, मीडियल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल, मीडियल कोंडाइल, कॉडल और प्लांटर व्यू, पॉपलीटियल नॉच, बॉडी ऑफ द टिबिया, डिस्टल आर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी, कोक्लिया इज प्रेजेंट. ठीक है, कोक्लिया इज डिवाइडेड सैजिटली और स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक हो गया. लेटरल साइड, मीडियल साइड. ऑन द मीडियल साइड देर इज अ स्मॉल ट्यूबरोसिटी लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज अ ट्यूबरोसिटी लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड मीडियल मेलोइलस. मीडियल मेलोइलस. फिबुला ऑलवेज अटैचेज ऑन द लेटरल साइड. अब ऑक्स के केस में स्पीशी डिफरेंस में हम पढ़ते हैं, फिबुला ऑलवेज अटैचेज हमें तो पता है लेटरल साइड में होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि ऑक्स में फिबुला की बॉडी मिसिंग होती है, इधर हेड ऑफ फिबुला भी मौजूद होता है, लेटरल मेलोइलस भी मौजूद होता है. दिस इज अ लेटरल मेलोइलस, और इसके ऊपर एक ग्रूव मौजूद होता है जिसको लेटरल मेलोइलस ग्रूव कहते हैं. ठीक है, लेटरल मेलोइलस ग्रूव कहते हैं इसको. ये नहीं है, ये लेटरल मेलोइलस ग्रूव. ओके, लेटरल मेलोइलस ग्रूव, फिबुला, डिफरेंस. ऑलराइट, हॉर्स. फर्स्ट वी आर टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज द लेटरल साइड एंड व्हाट इज द मीडियल साइड. सो लेट्स
look out about the muscular groove, which is present on the lateral side. As you can see, there is a muscular groove, so we designed or named it this side a lateral side. Okay, this is a cranial border. These are two condyles. So according to the named sides, lateral or medial, this is the lateral condyle. This is the medial condyle. This is the lateral condyle. This is the cranial view. This is the plantar view. Cranial border, intercondylar eminences, intercondylar area, tibial tuberosity, plantar view or caudal view, popliteal notch, body of the tibia. Now this comes the difference. Cochlea is divided obliquely. Okay. So in case of horse, lateral side and medial side. In case of horse, fibula is present, but body is also there. Lateral side. Fibula, head is present. Head of fibula is present. Body of fibula is present, but the lateral malleolus of fibula is absent in case of horse. Done.